अगली खबर इंदौर से आ रही है, जहां लगातार हो रहे लव जिहाद की घटना के बीच रेसिडेंसी एरिया के ट्रैफिक पार्क से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पकड़ा है। यहां नाम पता पूछने पर उसने पहले खुद को हिंदू बताया, लेकिन बजरंग के सख्ती करने पर उसने अपना नाम बताया। इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उस पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किया है। बजरंग दल के तन्नू शर्मा ने बताया कि जिला संयोजक जितेंद्र जादौन से सूचना मिली थी कि रेसिडेंसी एरिया में आने वाले ट्रैफिक पार्क में एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ बैठा है, जो अश्लील हरकतें कर रहा है। सूचना के बाद यहां अन्य बजरंगियों के साथ पहुंचे युवक से पूछताछ में उसने पहले अपना नाम अज्जू बताया। जब उससे आधार कार्ड और पहचान पत्र मांगा तो उसने बताने से इनकार कर दिया। बाद में बजरंग दल के लोगों ने मोबाइल लेकर उसके फोटो देखे। वह फोटो में मस्जिद में नमाज पढ़ने के फोटो के साथ अन्य मस्जिदों व मजारों पर जाने के फोटो मिले। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना पूरा नाम अरबाज पुत्र साहिद खान निवासी कन्नौज जिला देवास वर्तमान पता आजाद नगर बताया। अरबाज ने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर अज्जू बनकर दोस्ती की थी। युवती से जब भी मिला उसे अपना असली नाम नहीं बताया। मामले में युवती माफी मांगने लगी। उसने बताया कि अरबाज से दोस्ती की बात परिवार को नहीं पता। बदनामी के डर के चलते मामले में उसने केस दर्ज कराने से इनकार कर दिया। संयोगिता गंज टीआई तहजीब काजी के मुताबिक अरबाज पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्यवाही की है। डोर के रेडियो कॉलोनी स्थित तौफिक गार्डन में एक मुस्लिम समुदाय का युवक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़की से प्रेम संबंध बनाता है और उसके साथ लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, जिस पर हमारे बजरंग दल के जिला संयोजक जितेंद्र जी जादौन और उनके सहयोगी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और थाना संविदागंज के सुपुर्द किया है। आरोपी अरबाज खान पिता सईद खान, जो मूल निवासी कन्नौज का है, कन्नौज से आकर वो आजाद नगर में रहता है और थाना किस प्रभाव किसी को जानकारी नहीं रहती है और यहाँ पर हिंदू बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम देता है।